दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीटीआर क्या होता है, सीटीआर हाई क्यों होता है, और अगर आपका सीटीआर भी हाई चल रहा है तो सीटीआर को कम कैसे करें। दोस्तों होता क्या है कि जब भी हमारा सीटीआर हाई होने लगता है तो हम यूट्यूब पर वीडियो सर्च करते हैं सीटीआर को कम कैसे करें, और दोस्तों उन वीडियो में जो तरीके बताए गए होते हैं उनको हम फॉलो भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारा सीटीआर कम नहीं होता। दोस्तों आप एक चीज बताइए, जब आपको ये नहीं पता कि सीटीआर क्या होता है और सीटीआर क्यों बढ़ता है, आपको इन चीजों के बारे में नहीं पता तो कैसे आपका सीटीआर कम होगा। तो दोस्तों सीटीआर को कम करने से पहले आपको जान लेना चाहिए कि सीटीआर क्या होता है और सीटीआर क्यों बढ़ता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो, क्योंकि सीटीआर के चक्कर में बहुत ज़्यादा लोग बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते रहते हैं, वो डरते रहते हैं कि यार मेरा सीटीआर बढ़ जाएगा, मेरा एडसेंस सस्पेंड हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको पूरी की पूरी जानकारी दूंगा सीटीआर से रिलेटेड। पर दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई भी आपका क्वेश्चन है इंस्टाग्राम आईडी पर आप पूछ सकते हैं, और आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि सीटीआर क्या होता है। दोस्तों सीटीआर की फुल फॉर्म होती है क्लिक थ्रू रेट, ये आपका क्लिक रेट बताता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि सीटीआर क्यों बढ़ता है। दोस्तों सपोज डैट के आपकी वीडियो पे एक दिन में 100 एड आए, और उन 100 एड में से 10 एड ऐसे थे जो 15-20 सेकंड के थे, यानी 15-20 सेकंड या 1 मिनट का भी वो एड हो सकता है, और उनमें से जो ये जो 10 एड आए उन 10 के 10 को जो आपके व्यूवर्स थे पूरे का पूरा देख लिया, यानी उन्होंने एड को स्किप नहीं किया, तो आपका उस दिन का सीटीआर हो जाएगा 10%। अगर मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाऊं तो ऐड को पूरा देखने से सीटीआर बढ़ता है, जो ऐड आपके स्किपेबल ऐड होते हैं यानी 10 सेकंड का, 15 सेकंड का या 20 सेकंड का जो ऐड होता है, अगर उसको आपका व्यूवर पूरा देखेगा तो आपका सीटीआर बढ़ जाएगा। 100 एड अगर वीडियो पे आए, 10 एड पूरे देख लिए, तो आपका सीटीआर जो है वो 10% हो जाएगा। आपने देखा होगा कि जब वीडियो स्टार्ट होती है तो एक 5 सेकंड का ऐड आता है और उस पर स्किप करने का कोई ऑप्शन नहीं होता, उससे दोस्तों सीटीआर आपका नहीं बढ़ता। सीटीआर आपका बढ़ता है जब आपकी वीडियो पे 15-20 सेकंड का ऐड आता है और उस पे स्किप करने का ऑप्शन आता है, और आपका व्यूवर उस ऐड को स्किप नहीं करता, पूरा का पूरा ऐड देख लेता है, तो उसको बोलते हैं आपका कि एक क्लिक हो गया। एक ऐड देखना मतलब एक क्लिक हो गया, 10 ऐड देखना मतलब 10 क्लिक हो गए, और अगर इसके रेट की बात करें तो 10% आपका वहां पे सीटीआर हो जाता है। तो अब दोस्तों बात करते हैं कि सीटीआर को कम कैसे करें, क्योंकि दोनों चीजें कंफर्म हो गई, सीटीआर क्या है, सीटीआर क्यों बढ़ता है। अब बात करते हैं कि सीटीआर को कम कैसे करें। तो दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको बताते हैं कि यार वीडियो का जो वायरल वीडियो है उसका मोनेटाइजेशन बंद कर दे तो सीटीआर आपका कम हो जाएगा। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, जब भी आपका सीटीआर 15-16% पे जाता है तो आप सबसे पहले ये डिसाइड करें कि मेरे चैनल की कौन सी वीडियो पे व्यूज़ सबसे ज़्यादा आ रहे हैं, और जिन वीडियो पे आपके चैनल की सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं उनका आप मोनेटाइजेशन बंद कर दें, और जो वीडियो आप 1-2 दिन बाद अपलोड करें या आपने हाल ही में अपलोड किए उनका भी आप मोनेटाइजेशन बंद कर दें, तो आपका 3 से 4 दिन के अंदर जो है वो सीटीआर कंट्रोल हो जाएगा, आपका 8 से 10% वो सीटीआर हो जाएगा, अगर आपका 15-16% पे चला जाता है तो। दोस्तों जब आपका सीटीआर 15-16% पे जाता है तो आपको 2-3 दिन तक देखना है कि यार सीटीआर मेरा बढ़ रहा है या घट रहा है, उसके बाद आपको मोनेटाइजेशन को बंद करना है। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि सीटीआर आपका तभी काउंट होता है जब आपका चैनल मोनेटाइजेशन हो जाता है, अगर आपका चैनल ही मोनेटाइजेशन नहीं है तो आप ना सीटीआर देख पाएंगे और ना आपको सीटीआर की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। दोस्तों पहले क्या होता था कि जब भी आपका सीटीआर 15-16% चला जाता था 2-3 दिन तक तो आपका एडसेंस डिसेबल होने का चांसेस हो जाते थे, बट अब दोस्तों ऐसा नहीं है।
बहुत ही कम चांस है जो आपका मोनेटाइजेशन जो एडसेंस जो है वो डिसेबल हो सीटीआर के कारण। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर